हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अपन फोनेटिक्स के बारे में बात कर रहे थे। फोनेटिक्स में वर्ड स्ट्रेस पे आ गए थे। फोनेटिक्स में जिस शब्द में एंड में अंत में ए ए ए ए ई ए ओ यू आ जाए, ई ए ओ यू आ जाए, तो सिलेबल कहाँ लगेगा? सेकंड सिलेबल पर आएगा। जैसे ग्रेट यू, और लास्ट में क्या आया? ई ए आई यू, है ना। बेंड यू, बेंड यू में बेंड यू, अब ये तो लास्ट सिलेबल है, लेकिन इसमें सेकंड सिलेबल क्या है? बैन 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 बैन, तो बैन पे शुरू में आ जाएगा, है ना। प्लेंट्यू, प्लेंट्यू में पी पे, आप इसको फर्स्ट लेवल कीजिए, फर्स्ट लेवल पे आएगा ना ये ग्रेट यू। अब इसमें एटीयू पोर्ट, अब देखो इसमें मैन ट्यू, और वर्ड क्या है इसमें? वर्ड क्या है इसमें? मैन मैन ट्यू है, लेकिन यहां पे पार्ट क्या है? ये उपसर्ग बन गया है। तो यदि उपसर्ग उपसर्ग हो तो उपसर्ग को हटा के मूल शब्द पे पष्ट पे आएगा, पष्ट सिलेबल पर आएगा। इसी प्रकार देखिए टेबल्यू, टेबल्यू में टी पे आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए ब्रू, ब्रू में चैट यू। इसी प्रकार इसमें देखिए, हाँ इसमें देखिए ब्रू में बी पे आ जाएगा। यदि इससे पहले कोई वो होता, उपसर्ग होता, तो उपसर्ग को छोड़ के बी पे हो जाता। इसी प्रकार देखिए चैट्यू, चैट्यू पे हो गया। रूल्स नंबर 9, जब किसी वर्ड के अंत में आई ओ यू एम आ जाए, आई ओ यू एम आ जाए, तो सिलेबल कहां पे आएगा? सेकंड सिलेबल पे सुना आएगा। सेकंड सिलेबल देखो, जैसे आई ओ यू एम आ गया तो आई एन यू, तो यहाँ पे सेकंड सिलेबल क्या होगा? इक्यूलिम, इक्यूलिम, तो इक्यू वर्ड वन सिलेबल, इक्यूलिम, तो सेकंड सिलेबल क्या बोल रहा है? एल बोल रहा है, तो यहाँ पे वर्ड स्ट्रेस एल पे आ जाएगा। इसी प्रकार क्रेनियम, क्रेनियम अभी लास्ट में आई हुआ, तो यहाँ पे सी पे आ जाएगा क्रेनियम। इसी प्रकार हॉर्मोनियम, हॉर्मोनियम में अब लास्ट में आई ओ हमारा है, तो हॉर्मोनियम, तो मूल शब्द क्या होगा इसमें? हॉर्मोनियम। अब ये भी थोड़ा सा अपने सेकंड सिलेबल में, इसमें लिखो फर्स्ट सिलेबल, आपको सेकंड सिलेबल के अनुसार नहीं, आपको फर्स्ट सिलेबल के अनुसार लगाना है इसमें, तो फर्स्ट सिलेबल पे आ जाएगा हॉर्मोनियम। इसी प्रकार काई ओ यू एम आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट लेवल पर इरिडियम। अब देखो इरिडियम, अब ये इरिडियम तो क्या है? उपसर्ग है, क्या है? उपसर्ग है, और मूल शब्द क्या है? रिडियम, तो रिडियम आई ओ यू एम है, रिडी, तो यहाँ पे सिलेबल लग जाएगा, वर्ड स्ट्रेस यहाँ पे लग जाएगा। इसी प्रकार देखो सोडियम, अब सोडियम कोई उपसर्ग नहीं है, ध्यान देना, सोडियम का कोई उपसर्ग नहीं है, तो कहाँ पे आ जाएगा? एस पे आ जाएगा। इसी प्रकार ओपियम, ओपियम में कहा जाएगा? ओ पे आ जाएगा। फैक्ट्रियम, ट्यूम, टी यू एम लास्ट में आए, आई ओ है यहाँ पे, आई ओ यू एम, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ पे आ जाएगा। इसी तरह आई ओ यू एम इसमें, अब देखो पेंड, पेंड क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है, है ना। अब यहाँ पे दूसरा शब्द का क्या है? मोनियम, तो मोनियम में यहाँ पे एम पे आ जाएगा। इसी प्रकार डेक्टियम में कोई उपसर्ग नहीं है, डेक्टियम, डिक्टियम, अब देखो डी, डी को हटाते हैं, कटियम, ये शब्द नहीं बनता है, तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा? और स्ट्रेस डी पे आ जाएगा, है ना। तो ऐसे देख लिया करो आप, कहाँ पे आ जाएगा? इस पे आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए जब शब्द के अंत में एंडिंग में मेंटर आ जाए और मैट्री आ जाए, तो कहां पे लगेगा? सेकंड सिलेबल पे अनुसार लगेगा। सेकंड सिलेबल क्या होगा? एक्स मेंटर, तो यहाँ पे आ जाएगा। मेमेंटर, यहाँ पे थोड़ा सा एम पे आ जाएगा। ग्रेशियोमीटर, एस पे आ जाएगा। माइक्रोमीटर, सी पे आ जाएगा। इसी प्रकार डायमीटर, डायमीटर में डाय को छोड़कर ए पे, मिलीमीटर। अब इसमें देखो क्या है, इसमें उपसर्ग नहीं है, तो कहां पे आ जाएगा? शुरू में आ जाएगा। इसी प्रकार डायमेट, इसमें डी पे, मिलीमीटर में कहां पे आ जाएगा? मिलीमीटर, ये तो हो गया अपना, मिलीमीटर में शुरू में आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार पैरामीटर, पैरामीटर में आर पे, सॉरी यहाँ पे एल पे आएगा इसके, पैरामीटर में। इसी प्रकार देखो हाइड्रोमीटर में डी पे, है ना, पेंटामीटर में टी पे, पैरामीटर में आर पे आएगा, इसको आर पे आएगा, है ना, ये उपसर्ग है। अब प्लीज, अब रूल्स नंबर 11, एंड में क्या आ जाए? कॉन्सोनेंट आ जाए प्लस कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट प्लस यू प्लस कॉन्सोनेंट आ जाए, तो सिलेबल किस पे आएगा? सेकंड सिलेबल के अनुसार यूज किया जाएगा वर्ड स्ट्रेस। तो वर्ड स्ट्रेस इज ऑब्वियस, पी कॉन्सोनेंट है, यू, यू आ गया, फिर इसके बाद में कॉन्सोनेंट, तो कहां पे आ जाएगा? ओ पे आ जाएगा। लिटिमियस, एम कॉन्सोनेंट, यू, देखो इस नियम के अनुसार पालन कर रहा है, कॉन्सोनेंट प्लस यू प्लस कॉन्सोनेंट, तो यू आ गया, एम, एम कॉन्सोनेंट, यू, यू आ गया, फिर एस कॉन्सोनेंट, तो लीड शुरू में, अपन कहा लगाया था वर्ड स्ट्रेस? शुरू में, फर्स्ट सिलेबल पे आएगा, इसको लिखो फर्स्ट सिलेबल पर, फर्स्ट सिलेबल पर यूज कर रहे अपन। हिबिगस, सी कॉन्सोनेंट, फिर एस कॉन्सोनेंट, यू,
यहाँ पे आ जाएगा। ओके लोक्यूस में एल पे, मर्मियोस में और मर में बड़बड़ाना एम, डिक्टियम में डी पे। अब रूल्स नंबर अंत में देखो, जब लास्ट नियम है एंड में क्या जाए, ए आई जी एन आ जाए, ए जी एन आ जाए और आई जी एन आ जाए, तो सिलेबस कहां पर लास्ट लेवल पर आएगा। जैसे कैंपिजियन लास्ट क्या है, पी है, इसमें डिजाइन एस है, कैंपिजियन पी है, असाइन एस है ना, कॉन्साइन एस है, मलाई